अभिनव किचन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं सरपुतिया की सब्जी। तो आइए हम देखते हैं सरपुतिया की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम सरपुतिया ली है, जिसे मैंने छिलके उतार कर इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। साथ में लिया है मस्टर्ड ऑयल, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटे लहसुन, 1/4 चम्मच मेथी दाना और नमक, जो कि एज पर टेस्ट रहेगा। सरपुतिया को मैंने किस तरीके से काटा है मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सरपुतिया है। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे इस तरीके से, और अब इसको हम छिलके उतार लेंगे। तो इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसके हम पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे इस तरीके से। तो ठीक इसी तरीके से हम बाकी सरपुतियाँ भी काट लेंगे। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए, और अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे मेथी, साथ डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन। अब मीडियम फ्लेम पर इसे हम कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सरपुतिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तीन से चार मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि सब्जी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक, जो कि एज पर टेस्ट रहेगा। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। और इसे हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर, जब तक कि सब्जी हमारे अच्छे तरीके से गल नहीं जाती, और बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। सब्जी पूरी तरीके से गल चुकी है, ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम हाई करके इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो भी इसका एक्सेस पानी है अच्छी तरीके से सूख जाए। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। हमारी सब्जी बनकर तैयार है और इसे अब हम सर्व करेंगे। सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार है मेरी सरपुतिया की सब्जी। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप रोटी, दाल, चावल या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।